वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में, जहां आपकी पढ़ाई हमारी जिम्मेदारी है, जहां हम कोशिश करते हैं कि आप सिर्फ मार्क्स अच्छे लाने के लिए ना पढ़ो। वो तो खैर आएंगे ही, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको वो चीज समझ में आ जाए और ऐसी समझ में आए कि कल को जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स दो तो आपको दिमाग में वो छप जाए, वो आपको फिर से बार बार निकाल के पढ़ना ना पड़े, हमेशा के लिए आप समझ जाए उस चीज को। ठीक है, हमने थर्ड चैप्टर जो आपके पॉलिटिकल साइंस में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का है, वो थर्ड चैप्टर हेगेमनी ऑफ अमेरिका इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, वो कंप्लीट कर लिया है। आज उसके क्वेश्चन आंसर्स हम सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर हम आपको सिर्फ इसलिए नहीं सॉल्व करवा रहे हैं कि लिए आपके लिए इजी हो जाएंगे और आप फटाफट से कॉपी कर लोगे और अपना काम खत्म। ये इसलिए भी है कि आपको ये समझ में आए कि किसी चीज को, किसी भी आंसर को लिखना किस तरह से, उसका प्रॉपरली आंसर देना किस तरह से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखो, मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सही है, गलत है, नहीं है, हाँ है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के और फिर ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सुप्रीमेसी इज इनकरेक्ट। यहाँ सुप्रीमेसी की जगह हेगेमनी भी हो सकता है कि इनमें से हेगेमनी के लिए कौन सा शब्द जो है परफेक्ट नहीं है। वर्चस्व का अर्थ है किसी एक देश की अगुवाई या प्राबल्य, किसी एक देश की अगुवाई या प्राबल्य। ऑब्वियसली वर्चस्व का यही अर्थ होता है कि किसी एक देश के जो है बहुत ज्यादा उसके अंदर पावर आ जाती है। इस शब्द का इस्तेमाल प्राचीन यूनान में एथेंस की प्रधानता को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, बिल्कुल किया जाता था। हमने पढ़ा है शुरू शुरू में कि वर्चस्व की जो अवधारणा है वो वहीं से अवतरित हुई है। वर्चस्वशील देश की सैन्य शक्ति अजेय होती है, वर्चस्व की स्थिति नियत होती है, बिल्कुल अजेय होती है, उस समय उसको कोई नहीं जीत सकता। वर्चस्व की स्थिति नियत होती है, जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया। ये होता है क्या? ये नहीं होता। हमने देखा था कि एथेंस का वर्चस्व कायम हुआ था लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहा, ठीक है ना। ऐसा कई बार हुआ है कि किसी एक देश का वर्चस्व कायम हुआ है लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहता। तो यानी कि ये जो कथन है, ये कथन गलत है लेकिन ये आंसर सही है कि वर्चस्व की स्थिति नियत होती है, जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सुप्रीमेसी इज इनकरेक्ट। इट मीन्स द लीडरशिप ऑफ प्रोडोमिनेंस इन ऑफ एनी कंट्री। यस, इट इज द मीनिंग ऑफ हेगेमनी और सुप्रीमेसी। द टर्म वॉज यूज इन एंशियंट ग्रीस टू डिनोट द प्राइमेसी ऑफ एथेंस। ऑफकोर्स इट वॉज यूज टू डिनोट एथेंस। द मिलिट्री पावर ऑफ द डोमिनेंट कंट्री इज Invincible, yes, of course, that is invincible. No can win that supreme country or that supreme power. The position of dominance is fixed. He who once dominated, he dominated forever. No, nothing is forever. Nothing is permanent in this world. Everything is in the status of being changed. Okay, so D is the right answer for us. Which of the following statement about the contemporary world order is incorrect? जो हमारा समकालीन दुनिया में जो भी सिचुएशन बनी हुई है इसके लिए गलत क्या है? There is no world government that can control the behavior of countries. America plays a role in international affair, of course. Different countries are using force on each other, of course they are using. The United Nations gave harsh punishment to countries which violate international law. This is the right answer, but this is a wrong statement. क्योंकि United States जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रतिबंध लगा सकता है, United States of जो है वो ज्यादा से ज्यादा उसके लिए प्रतिबंध लगा देगा United Nations, लेकिन वो उसके लिए उसको कोई सजा नहीं दे सकता। समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं है जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके, बिल्कुल सही है ये। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिका की चलती है, बिल्कुल चलती है। विभिन्न देश एक दूसरे पर बल प्रयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ कठोर दंड देता है, ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके उनके पास दंड देने की क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, पावर नहीं है। वो सिर्फ कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं या अपनी सदस्यता से उनको हटा सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ऑपरेशन ईरा की फ्रीडम से रिलेटेड। ऑपरेशन ईरा की फ्रीडम के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है ना, आपने सारे पढ़े, तीनों ही क्वेश्चन ऐसे ही कि कौन सा कथन गलत है। ऑपरेशन ईरा की फ्रीडम में इराक पर हमला करने के इच्छुक अमरीकी अगुवाई वाले गठबंधन में 40 से ज्यादा देश शामिल हुए। बिल्कुल 40 देशों से भी ज्यादा देश जो नाटो के थे वो इस गठबंधन में शामिल हुए थे, एकदम सही बात है। इराक पर हमले का कारण बताते हुए ये कहा गया कि ये हमला इराक को सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए किया गया। बिल्कुल ये कहा था अमेरिका ने कि इराक ऐसे हथियार बना रहा है जो कि सामूहिक रूप से जनसंहार कर सकते हैं या परमाणु हथियार हो सकते हैं, और इसी आशंका के चलते इराक पर हमला किया गया था। ये अमेरिका की दलील थी, हालांकि ये गलत साबित हुई, सही साबित हुई वो यूएन का मसला है। इस कार्रवाई से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति ले ली गई थी? बिल्कुल अनुमति नहीं ली गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के तहत ली गई थी, उसके अलावा कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति के द्वारा कोई भी ऑपरेशन कंडक्ट नहीं किया गया था, यानी ये गलत है। अमरीकी नेतृत्व वाले गठबंधन को इराकी सेना से तकड़ी चुनौती नहीं मिली क्योंकि इराकी सेना छोटी थी और अमेरिका के साथ 40 देशों की सेनाएं थी। तो इस प्रकार ये कथन भी सही है। तो जो गलत कथन है वो हमारा आंसर है। ठीक है, पूछा यही गया है ना कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो ये कथन गलत है और ये हमारा आंसर है। सेम विल बी अप्लाइड हियर। Which one of the following statements about Operation Iraqi Freedom or Iraqi Liberation Campaign is incorrect? More than 40 countries joined the US-led coalition willing to attack Iraq. Of course, 40 countries were there to attack them. Explaining the reason for the attack on Iraq, it was said that this attack is being done to prevent Iraq from making weapons of mass destruction or assassination. There was no sign of from Iraq that he is making kind of weapons that are going to be assassinate people in this mass area. The permission of the United Nations was taken before this action. No permission was taken by United Nations just to attack Iraq. Even United Nations didn't know about the operation. It was a confidential operation. The US-led coalition did not face a formidable challenge from Iraqi army. Yes, it is quite right. So our answer is C, that no permission was taken from United Nations to attack Iraq. निम्नलिखित में मेल बैठाएं, जो मैचअप है वो आपको करना है। अमेरिका के चार ऑपरेशंस हैं और उन चारों को कहाँ लागू किया गया था ये पूछा है, तो उनके साथ आपको मैच करना है। सबसे पहला है ऑपरेशन इनफिनाइट रीच, तो हमने जिस क्रम से पढ़ा था हम उसी क्रम में चलते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन जो था वो था डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो था उसको हम प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहते हैं, फर्स्ट गल्फ वॉर भी कहा जाता है। उसके बाद था ऑपरेशन इनफिनाइट रीच, जो कि तालिबान और अलकायदा के खिलाफ जंग के लिए लड़ा गया था, लेकिन उसमें किया क्या गया था, उसमें सूडान पर जो है मिसाइल से हमला किया गया था। उसमें सूडान पर मिसाइल से हमला इसलिए किया गया था क्योंकि वहां शक था उनको कि जो तालिबानी है वो वहां छिपे हुए हैं। बल्कि उस समय तक तालिबानी बहुत ज्यादा ये नाम फेमस नहीं था, उस समय था कि जो अमेरिका के दूतावास पर हमला करने वाले हैं वो सूडान में छिपे हुए हैं। देन ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ये तालिबान और अलकायदा के खिलाफ जंग थी, और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम नाम से पता चल रहा है कि ये इराक के हमले के इच्छुक देशों का गठबंधन बनाया गया था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से, ऑब्वियसली। तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम विच इज अ कोएलिशन, देन ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म वॉज फर्स्ट गल्फ वॉर, ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच मिसाइल अटैक टू सूडान, एंड ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम वॉर अगेंस्ट तालिबान एंड अलकायदा। सो यू टेक स्क्रीनशॉट एंड वी गो फर्दर। अगला क्वेश्चन है कि अध्याय में वर्णित तीन प्रकार के अधिपत्य या जो वर्चस्व है उनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण देना है, और वो एग्जाम्पल नहीं बताना है जो आपकी बुक में दिया हुआ, उनसे थोड़े अलग एग्जाम्पल देने हैं। तो वर्चस्व के तीन अर्थ हमने पढ़े हैं, पहला सैन्य शक्ति में वर्चस्व, दूसरा ढांचागत ताकत या जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें वर्चस्व, और सांस्कृतिक अर्थ में वर्चस्व। इनके उदाहरण क्या क्या दिए जा सकते हैं?
सैन्य शक्ति के लिए हम ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के कारण लोगों का जीवन पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। ये कल हुआ है जब अमेरिका का आखिरी सैनिक अफगानिस्तान से निकला है। पिछले 20 सालों में कल ऐसा हुआ कि अमेरिका के आखिरी सैनिक ने अफगानिस्तान छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान को छोड़ भी दिया और ऐसी स्थिति में छोड़ा है कि वहां अराजकता, वहां पर आतंकवाद और ये सब जो परिस्थितियां हैं वो अपने चरम पर है। आधुनिक विश्व के लोग इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कि अमेरिका के ढांचागत वर्चस्व का उदाहरण है। इंटरनेट की वजह से हम सब जुड़े हुए हैं, हम आपसे जुड़े हुए हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, ये अमेरिका के ढांचागत वर्चस्व की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। टेलीविजन के माध्यम से हम अधिकांश वे कार्यक्रम और फिल्में ही देखते हैं जिन्हें अमेरिका में या उनके लोगों द्वारा तैयार किया गया होता है। ये अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व का उदाहरण है। यहाँ आप नीली जींस का भी उदाहरण दे सकते हैं। Give one example each of the three types of hegemony described in this chapter. Do not cite examples from from the chapter. Dominations has three meanings: supremacy in military power, supremacy in sense of structural strength, and supremacy in cultural sense. The lives of people are not completely saved due to US military intervention in Afghanistan, and it is quite the best example to give for the military power or military supremacy of America in the whole world. The people of the modern world are connected to each other through the internet, which is an example of the structural supremacy of America. Most of the programs and movies are watched through television, are produced in America or by their people. This is an example of the cultural hegemony of America. आपने देखा होगा, आप कई सारी मूवीज देखते हो जो फॉक्स स्टार द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, तो ऐसे कई सारे और प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो अमेरिका से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और उन्होंने धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड की जो इस तरह की कंपनीज हैं उन पर अपना वर्चस्व कायम करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन तीन तरीकों का उल्लेख कीजिए जिसमें शीत युद्ध के बाद से अमेरिका का प्रभुत्व और शीत युद्ध के दौरान एक महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति से भिन्न है। कहने का मतलब वो तीन बातें हमें बतानी है कि अमेरिका शीत युद्ध में भी अपनी हेगेमनी स्थापित करने में लगा था और शीत युद्ध के बाद भी किया, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क आ गया। क्या फर्क आया, वो तीन स्थितियां बतानी है। पहली, शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की जवाबी कार्यवाही की क्षमता और बड़े पैमाने पर विनाश से दुनिया का विरोध करने के कारण अमेरिका को सोवियत संघ पर जीत हासिल करना मुश्किल हो गया था, लेकिन स्ट्रक्चरल और सॉफ्ट पावर के क्षेत्रों में अमेरिका का दबदबा था। देखो, अमेरिका उस समय भी पावरफुल था, लेकिन उस समय उसके सामने एक पावर और था, सोवियत संघ के रूप में, यूएसएसआर के रूप में। तो ऐसे में वो चेक एंड बैलेंस की जो स्थिति है वो बन गई थी और उस चेक एंड बैलेंस के कारण अमेरिका की शक्ति भी जो है वो थोड़ी नियंत्रित हो गई थी, लेकिन दबदबा बाकी चीजों में उसने बनाना शुरू किया, चाहे वो स्ट्रक्चरल जो भी पावर हो या फिर सॉफ्ट पावर भी हो। सॉफ्ट पावर में हम सांस्कृतिक क्षेत्रों को शामिल कर सकते हैं। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने राज्यों के कल्याण को अधिकतम करने के लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक वैकल्पिक मॉडल दिया था। फिर भी विश्व अर्थव्यवस्था ने शीत युद्ध के वर्षों में अमेरिका के अधीन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया और इससे ये साबित होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से निहित जो अमेरिका है वो एक न एक दिन, उसी समय ये साबित हो गया था कि वो एक न एक दिन दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करेगा। सॉफ्ट पावर के क्षेत्र में अमेरिका विजयी हुआ, जैसा कि नीली जींस के उदाहरण से पता चलता है कि अमेरिका संस्कृति के आधार पर भी सोवियत समाज में भी पीढ़ीगत अंतर पैदा कर सकता है। हमने देखा था कि जो आंद्रेई है वो हमेशा से जीन्स पहनना चाहता है, बट हिज पेरेंट्स डिडंट अलाउ हिम टू वेयर दिस और उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं हमें ये दर्शाती है कि सांस्कृतिक तौर पर भी अमेरिका का वर्चस्व अंदर तक बैठ चुका था। मेंशन थ्री वेज इन विच यूएस डोमिनेंस सिंस द कोल्ड वॉर इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स पोजिशन एज अ सुपर पावर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। First is, during Cold War, the US found it difficult to win over the Soviet Union as hard power due to retaliating capacity of the Soviet Union and to protest world from the large-scale destruction. But in the areas of structural and soft power, the US dominated. देखो, जहां तक बात सैन्य शक्ति की हो, जब तक सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ, जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ, अमेरिका चेक एंड बैलेंस की पोजीशन में ही रहा था।
ये जो आज सैन्य शक्तियों को हम देख रहे हैं वो सोवियत संघ के विघटन के बाद से शुरू हुई स्थिति है। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर ईयर्स द सोवियत यूनियन प्रोवाइडेड एन अल्टरनेट मॉडल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी टू मैक्सिमाइज वेलफेयर ऑफ स्टेट्स। स्टिल द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू आउट द कोल्ड वॉर ईयर्स अडेप्टेड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अंडर द यूएस। इन द एरिया ऑफ सॉफ्ट पावर द यूएस बिकम triumphant as the example of blue jeans shows that the US could engineer a generation gap even in Soviet society on cultural basis. When we say blue jeans तो शायद हम सब के लिए परिचायक बन गया है कि हम अपने स्टाइल को मेंटेन करें, सिर्फ उस आंद्रे की बात नहीं होती, हम सब के लिए ये अपने स्टाइल स्टेटमेंट का परिचायक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आज अमेरिकी अधिपत्य पर बाधाएं हैं, यानी इसको किसी तरह नियंत्रित किया जा सकता है, इसको नियंत्रण में लाया जा सकता है। आप इनमें से किस एक को भविष्य में अधिक महत्वपूर्ण होने की आशा करते हैं? देखो, हम अमेरिकी शक्ति पर तीन बाधाओं की पहचान कर सकते हैं। कौन कौन सी है? जो वास्तव में 9/11 के बाद के वर्षों में संचालन में नहीं थे, मतलब कहने का तीन बाधाएं ऐसी है जो हम मान सकते हैं कि उससे अमेरिकी जो हेगेमनी है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए अमेरिका अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। हाल ही में ये सभी बाधाएं जो है निम्नलिखित तरीकों से धीरे धीरे काम करने लगी है। सबसे पहला, अमेरिकी राज्य में ही अमेरिका का संस्थागत ढांचा है। ये सरकार की तीन शाखाओं के बीच शक्तियों के विभाजन को संदर्भित करता है। आपने पहले इससे पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा कि शक्तियों का विभाजन किस तरह किया जाता है, किस तरह से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका काम करती है। और ये तीनों संस्थाएं न सिर्फ काम करती है बल्कि एक दूसरे पर नियंत्रण के साथ साथ संतुलन बनाए रखती है। तो सेम सिचुएशन जो है अमेरिका में भी है। अमेरिका में सीनेट अपना काम, सीनेट और कांग्रेस अपना काम जो है व्यवस्थापिका के तौर पर करती है, राष्ट्रपति कार्यपालिका के तौर पर होता है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो इन दोनों पर नियंत्रण का काम करता है। इन बीच शक्तियों के विभाजन को संदर्भित करता है जहां अमेरिकी सेना की कार्यकारी शाखा अनर्गल और अनियंत्रित अभ्यास पर महत्वपूर्ण ब्रेक लगा सकती है। यानी अमेरिकी सेना इतनी पावरफुल है और उसकी पावर से ही ये जो हेगेमनी है इस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाता है। अमेरिकी आधिपत्य पर दूसरी बाधा है अमेरिकी समाज की खुली प्रकृति से। अमेरिकी समाज और अमेरिका में घरेलू राय पर विशेष दृष्टिकोणों को लागू करने के बावजूद अमेरिका में सरकार के उद्देश्यों और तरीकों के प्रति बहुत गहरे संदेह से पीड़ित लोग हैं। विदेशों में अमेरिकी सैन्य कार्यवाही एक बहुत बड़ी बाधा साबित हो जाती है इस तरह से देखा जाए तो। अमेरिकी आधिपत्य पर तीसरी बाधा है आज नाटो के अभ्यास को नियंत्रित करने के लिए, जो अमेरिकी आधिपत्य है उसके अभ्यास को नियंत्रित करने के लिए इस पर नाटो का कब्जा है। नाटो सिर्फ एक अमेरिका की अकेले की संपत्ति नहीं है, नाटो में इस समय 100 के करीब देश हैं, और वो 100 के करीब देश अकेला अमेरिका किसी भी प्रकार के संचालन को आगे नहीं ले जा सकता जब तक वो सबके सब इसके लिए सहमत नहीं हो। तो ये एक तरह से अमेरिका पर नियंत्रण लगाता है। बाजार अर्थव्यवस्थाओं का पालन करने के लिए लोकतंत्रों के गठबंधन को बनाए रखने में अमेरिका की बहुत रुचि है, और नाटो में अपने सहयोगियों के लिए यह संभव हो सकता है कि वे अपने स्वयं के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनी उदार नीतियों के माध्यम से अमेरिकी आधिपत्य के अभ्यास को नियंत्रित करें। कैसे? देखो, मुझे पता है कि अमेरिका बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर नाटो के देश ये चाहें, नाटो के देश ये कोशिश करें कि एक तो लोकतंत्र कहीं खंडित ना हो, तो अपने आप अधिकांश जगहों पर अमेरिकी आधिपत्य पर जो है नियंत्रण लग जाएगा। और दूसरा, वो कोशिश करें कि अगर नहीं भी है तो वहां लोकतंत्र की स्थापना कर दी जाए। What are the constraints on American hegemony today? Which one of these do you expect to get more important in the future? We can identify three constraints on American power. क्या क्या है three constraints? The US bears institutional architecture in the American state itself. It refers division of power between the three branches of government, where American military's executive branch can play significant breaks अपॉन द अनस्ट्रेन्ड एंड इमोडरेट एक्सरसाइजेस। जितनी भी अमेरिका की एक्सरसाइजेस हैं उन पर मिलिट्री कहीं ना कहीं अपने आप ही ब्रेक लगा देती है। द सेकेंड कॉन्स्टेंट ऑन अमेरिकन हेगेमनी एमर्जेस फ्रॉम ओपन नेचर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। अमेरिकन सोसाइटी एंड सफरिंग फ्रॉम अ डीप स्केप्टिज्म
towards purpose and methods of government of in America despite an imposition of particular perspective on domestic opinion in the US. This is a huge constraint on US military action overseas. The third constraint on US hegemony is the procession of NATO to moderate the exercise of US hegemony today. The US has an enormous interest in keeping the alliance of democracies to follow the market economies alive, and it may be possible to its allies in NATO to moderate the exercise of the US hegemony through their own liberal policies to fulfill their own ends. अब अमेरिका क्या चाहेगा कि हर देश में जो है लोकतंत्र बना रहे, लोकतंत्र बना रहेगा तब उस देश की इकोनॉमी सही रहेगी, इकोनॉमी सही रहेगी तब वो देश जाके और अमेरिका के लिए एक बाजार का काम करेगा, और दूसरे देश जब तक अमेरिका के लिए बाजार बने रहेंगे तभी तक जो है अमेरिका अपने लिए अपनी इकोनॉमी के लिए कुछ कर सकेगा. तो अपनी इकोनॉमी को बनाए रखना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती का सामना करने के लिए उसको कहीं ना कहीं खुद पर कंट्रोल करके रखना ही पड़ेगा. ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत अमेरिका सौदे पर लोकसभा की बहस के अध्याय में तीन उदाहरण पड़े हैं, इनमें से किसी एक को भारत अमेरिका संबंधों पर निश्चित स्थिति का बचाव करते हुए एक पूर्ण भाषण के रूप में विकसित करें. मतलब भारत अमेरिका संबंधों पर तीन जो है एग्जाम्पल दिए गए थे, और उन एग्जाम्पल में से किसी एक को पूरा एक भाषण बनाना है. तो भाषण मेजर जनरल बीसी द्वारा प्रस्तुत लोकसभा की बहस के अंशों के आधार पर इस प्रकार बनाया जा सकता है. भाजपा के खंडूरी ने यह भाषण दिया था कि महोदय, आज के परिदृश्य में मैं सम्मानजनक सदस्य का ध्यान अमेरिकी आधिपत्य की ओर आकर्षित करूंगा, लेकिन हमें इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि भारत अपनी पहचान बनाए रखने के लिए एक महाशक्ति के रूप में प्रदर्शन करने के लिए अगली प्रतीक्षा कर रहा है. इसके अलावा अधिपत्य अपनी कमजोरियों के साथ हमेशा के लिए खड़ा नहीं हो सकता, है ना. हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि कोई भी देश हमेशा के लिए हेगेमनी को कायम नहीं रख सकता, इसलिए व्यापार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के साथ हमारे अच्छे और सामंजस्यपूर्ण संबंध होने चाहिए, लेकिन भारत को अपनी सुरक्षा और पहचान की कीमत पर इससे समझौता नहीं करना चाहिए. इसलिए भारत को कूटनीतिक तरीके से काम करना चाहिए, जबकि वह सोचता है कि वह अमेरिका से इस तरह हाथ मिलाएगा कि भारत अमेरिकी आधिपत्य से सर्वोत्तम लाभ उठा सके और अपने लिए पारस्परिक विकल्प भी खोज सके. धन्यवाद. तो ये एक भाषण हो सकता है. इस भाषण से हमें ये पता चलता है कि हमें अमेरिका से किस तरह के संबंध बनाए रखने चाहिए. आप इसको इस क्वेश्चन के साथ तो यूज कर ही सकते हो. अगर अलग से क्वेश्चन आता है कि भारत को अमेरिका के साथ किस तरह के संबंध स्थापित करने चाहिए या विकसित करने चाहिए, तो भी आप यही आंसर दे सकते हो. So the speech which would be given in Lok Sabha should be like that. Sir, I would respectfully draw the attention of August House towards the US hegemony in today's scenario. But we should not ignore the fact that India might be next waiting in the wings to perform as a superpower to maintain its own identity. We never be underestimate ourselves and just imagine ourselves as the next superpower of the world. Moreover, hegemony cannot stand forever due to its weaknesses. Therefore, we are supposed to have a good and harmonious relation and with the that of the US for mutual promotion of trade and technology. This is not a one-sided thing. It's the mutual thing. It's the two-sided thing. Even America has also taken advantages of Indian market, of Indian overseas and Indian economy. Indian politics also, he also they are in a raw to get Indian support for even in policy, even in politics, even in economy. But India should not compromise from the same on the cost of its own security and identity. Hence, India should work in diplomatic manner while it thinks to get hand in hand the US in such a manner that India could extract best benefits from the US hegemony and find out mutual options for itself. Thanks. तो ये जो भाषण है, ये भाषण की तरह याद करना है, ये इस क्वेश्चन के लिए भाषण है, लेकिन वास्तव में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है
कि भारत को किस प्रकार से अमेरिका के साथ अपने संबंधों को जो है विकसित करना चाहिए, उसके लिए एक क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दिया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है कि यदि बड़े और संसाधन संपन्न राज्य अमेरिकी आधिपत्य का विरोध नहीं कर सकते हैं तो बहुत छोटे और कमजोर गैर राज्य अभिनेताओं में से किसी भी प्रतिरोध की उम्मीद करना अवास्तविक है। ठीक है, इस प्रस्ताव का आप परीक्षण कीजिए और अपनी राय दीजिए। कहने का मतलब यह है कि जब यूएसएसआर जैसा बड़ा राष्ट्र हार गया, भारत जैसे, चीन जैसे बड़े राज्य इसके सामने नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो छोटे देश किस प्रकार से इसका विरोध कर पाएंगे। यह प्रस्ताव केवल राज्य की शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करता है और मानता है कि केवल बड़े और संसाधन संपन्न राज्य ही अमेरिकी आधिपत्य को चुनौती दे सकते हैं, जिसे वह व्यवहारिक रूप से सही मानता है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो लेखक के विचार और कलम है, कलाकारों की अभिव्यक्ति है, मीडिया और बुद्धिजीवी जिनकी कोई सीमा नहीं है, जिनमें स्वयं आधिपत्य भी शामिल है, गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ, सामाजिक आंदोलन है और जनमत है, इन सब के रूपों में आलोचना और विरोध किया जाना चाहिए। इसलिए गैर राज्य अभिनेता भी अमेरिकी आधिपत्य को अपने तरीके से चुनौती दे सकते हैं और ये काम कर भी सकते हैं। कहने का मतलब सिर्फ मिलिट्री पावर ही सब कुछ नहीं होता, देर आर मच मोर थिंग्स टू चेक द पावर, टू कंट्रोल द पावर। If big and resourceful states cannot resist the US hegemony, it is unrealistic to expect much smaller and weaker non-state actors to offer any resistance. Examine the proportion in give and give your opinion. This proposition focuses on the power of the state and believes that only big and resourceful state can challenge the US hegemony, which it approaches right in a particular manner. But if we think deeply, these are thoughts and pens of writers, expression of artists, medias and intellectuals who have no boundaries, including hegemony itself, to be criticized and resisted in the form of non-governmental organizations, social movements and public opinion. Hence, not state actors may challenge the US hegemony also in their own way and it can work out also. यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा पावर की जरूरत नहीं है, अगर हमें बड़ी शक्ति को चैलेंज करना है तो हम छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा भी उसके सामने खड़े हो सकते हैं। तो इसके साथ ही ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे, किस तरह से इनका आंसर देना है। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर्स के साथ। विल डेफिनेटली ट्राई टू स्टार्ट द नेक्स्ट बुक ऑफ योर्स। अब हम अगले वीडियो में अगली आपकी जो बुक है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने बहुत लंबा टाइम स्पेंड कर लिया है कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को पढ़ते हुए। अब हम कंटेम्प्ररी इंडियन पॉलिटिक्स पर कुछ डिस्कशन करेंगे, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।